अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को जैसे पता है कि हमने प्यास एमएस फेलोशिप की टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसका मेन पर्पस जो है आपको प्यास एमएस फेलोशिप टेस्ट से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन और गाइडलाइन प्रोवाइड करना है। तो इस गाइडलाइन का जो जर्नी है, इसमें हम पास पेपर शेयर करने की स्टेज तक पहुँच चुके थे और मैं अभी तक आप लोगों के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो 2021 का जो पास पेपर था प्यास एमएस फेलोशिप के लिए, वो आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। आज भी मैं आपके साथ जो है वो पास पेपर ही शेयर करने जा रहा हूँ प्यास फेलोशिप का। 2021 में 28 अगस्त को ये जो टेस्ट रिसेंटली कंडक्ट हुआ है मेटलर्जी और मटेरियल्स इंजीनियरिंग के लिए, ये उसका बेसिकली टेस्ट है। तो इस वीडियो का पर्पस भी आप लोगों को जो है ये जो 2021 का जो पेपर है प्यास का मटेरियल और मेटलर्जी इंजीनियरिंग का, इसके एक आइडिया प्रोवाइड करना है। बाकी एज सच मैं क्वेश्चन आपके साथ ये सोल्व नहीं करूँगा, और ये क्वेश्चन जो है डिफरेंट स्टूडेंट्स से जो है वो कलेक्ट किए गए हैं, और ये काफ़ी जूनियर्स की जो है मेहनत का रिजल्ट है। और इसका पर्पज़ यही होता है कि आप जो बाद में आने वाले लोग हैं जो प्यास के लिए अप्लाई करते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, तो कन्फ्यूजन होती है आप लोगों को तैयारी कैसे करें। तो इन वीडियोस का पर्पज़ यही है कि यहाँ से आपको आइडियाज़ हो जाएंगे, आप फिर जब प्रिपरेशन करने बैठें इन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करें, फिर इनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको भी आप सॉल्व करें, तो आपकी जो है तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाकी ये कंप्लीट कोई स्टेटमेंट क्वेश्चन की नहीं मौजूद होती, उसकी वजह यही है कि ये कोई एज सच पेपर जो है वो बाहर नहीं आया एग्जाम सेंटर से, क्योंकि प्यास के जो पेपर्स हैं वो आउट नहीं होते। तो जो स्टूडेंट्स जो हैं जब पेपर दे के आते हैं, तो उस टाइम उनसे जो है वो जो जो उन्हें चीज़ें याद होती हैं, जिस हद तक क्वेश्चन की स्टेटमेंट याद होती है, वो उनसे जो है इकट्ठी की जाती है, और वो उसे जो है वो सेव कर लिया जाता है, ताकि आप जो स्टूडेंट जो फ्यूचर में आने वाले हैं तैयारी कर रहे हैं या करेंगे, आप सब दोस्तों को जो है वो फ़ायदा हो सके। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलें अब मैं आपके साथ ये है जो पेपर है ये शेयर कर लेता हूँ। तो इसमें कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए थे, कैलकुलेट द साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइट इन एफसीसी क्रिस्टल हैमिंग 4 एंगस्ट्रॉम लैटिस कांस्टेंट। एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक सेंटर की बात कर रहा है क्रिस्टल की, उसका लेटेस्ट कांस्टेंट उसने आपको दे दिया था, और उसके ऑक्टाहेड्रल साइट का उसने साइज कैलकुलेट करने के लिए जो है वो बता दिया था। फिर उसने कहा था कैलकुलेट द प्लेनर डेंसिटी ऑफ फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल, और प्लेन उसने दे दी थी 110, जिसका लेटेस्ट कांस्टेंट ए जो है वो भी उसने जो है वो कोई बताया होगा। इन भाई साहब या बहन को जो है वो वैल्यू नहीं याद होगी, तो इस वजह से उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट को छोड़ दिया, और इस तरह की कुछ इसमें जो है ऑप्शन थी। तो मटेरियल के लोग जो हैं वो बखूबी वाकिफ़ हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 12 नेक्स्ट क्वेश्चन था कैलकुलेट द प्लेनर डेंसिटी इन सिंपल क्यूबिक सिस्टम ऑफ 110 प्लेन हैविंग लेटेस्ट कांस्टेंट, ये भी उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। तो और आई थिंक वही दो बार लिख दिया गया, बस इधर एफसीसी के लिए पूछा गया फेस सेंटर क्यूब के लिए, यहाँ सिंपल क्यूब के लिए प्लेन सेम है और वही चीज़ जो है प्लेनर डेंसिटी पूछी है। इस तरह पूछा है एलनिको इज फेरोमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, या कोई इस तरह एक और ऑप्शन भी होगी। और स्टिफनेस इज इम्पॉर्टेंट बिफोर यील्ड पॉइंट आफ्टर यील्ड पॉइंट, तो स्टिफनेस को इसने लिंक किया है क्वेश्चन में यील्ड पॉइंट के साथ, कि स्टिफनेस का कंसेप्ट जो है कब इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये और व्हाट इज सीजिंग मटेरियल्स के लोग जो है इस कंसेप्ट से बड़े बाखूबी वाकिफ होंगे। व्हाई स्पायर शेप इज टेपर्ड इन इलेक्ट्रोलाइट प्लेटिंग, नो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, नो इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। तो देखें यहाँ से आपको देखो आइडिया हो रहा होगा कि मटेरियल्स के पेपर में जो है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और कोई इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं। मेरा बेसिक बैकग्राउंड हालांकि फिजिक्स है, लेकिन फिर भी देख के पता चल रहा है कि कोई इतने ये टफ क्वेश्चन नहीं है। तो जिनका ये बेसिक बैकग्राउंड मटेरियल्स का है, मेटलर्जी का है, तो वो इस पेपर को जो है बहुत आसानी से सोल्व कर सकते थे। बाकी ये है कि ऐसा कोई रटे वाली भी चीज़ नहीं है, कंसेप्ट है छोटे बहुत छोटे मोटे, और इस हिसाब से जो है पेपर जो है प्यास का बनता है इवन हर सब्जेक्ट का ही। ये देखें यहाँ पे और भी इस तरह आपको क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे, विच इज नॉट अ थर्मोडाइनेमिक वेरिएबल, प्रेशर, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, और ये
ठीक है, तो ये थर्मोडायनेमिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, बोथ ए एंड बी? तो ये तो फिजिक्स वाले बता सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो देखें, ये थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड भी क्वेश्चन दो पूछे हुए हैं। विस्कर्स आर फाइबर रिइंफोर्समेंट कंटिन्यूस स्ट्रक्चर, तो विस्कर्स का स्ट्रक्चर किस तरह होता है बेसिकली वो पूछा गया है। इस तरह ये देखें, कोलर फर्नेस यूज टू मेक रॉट आयरन, पिग आयरन, कास्ट आयरन। तो देखें, फर्नेसेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। विच एलिमेंट इज एडेड इन आयरन टू मेक मिल स्टील, कार्बन, क्रोमियम, निकल? ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट जो है हम आयरन में ऐड करते हैं कि मिल स्टील जो है वो उससे हमारे पास बन जाए? तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है आते हैं। तो टू इंक्रीज द रेजोल्यूशन ऑफ लेंस मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप इट इज डिप इन लिक्विड ऑफ, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड उस पे जो है वो आपसे रिलेशन पूछी गई थी। ड्यूरिंग क्रीप एटम मूव फ्रॉम ग्रेन बाउंड्री रीजन टू अदर इन, ठीक है। तो देखें, यहाँ तक अभी क्या आइडिया हो रहा है कि फर्नेसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर जो मेटलर्जिकल लेंस माइक्रोस्कोप्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये फिर आपसे ग्रेन बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे कुछ पूछे गए हैं, और ये इस तरह जो है ये, और जो प्लेनर डेंसिटीज हो गई, सिंपल क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब, इनसे रिलेटेड इस तरह यहाँ और भी क्वेश्चन है। सोलबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस इन एल्यूमिनियम इज मैक्सिमम, टेम्परेचर पूछा है जहाँ पे जो एल्यूमिनियम में हाइड्रोजन गैस की सोलबिलिटी मैक्सिमम होती है। विच लाइन शुड बी प्रेजेंट टू मेक एन अलॉय प्रेसिपिटेशन हार्डन, तो ये बेसिकली लाइन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, व्हेन एन अलॉय इज हीटेड अबो, ये देखें, ये क्वेश्चन आप इसकी स्टेटमेंट जो है रीड कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज, कुछ वैल्यू गिवन है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकल की डेंसिटी इतनी है, कैलकुलेटेड डेंसिटी एक डिफरेंट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे वो इसकी जो है डेंसिटी फाइंड करने को कह रहा है, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एल्फा जो है वो गिवन होगा। ठीक है, ब्लोइंग ऑफ ऑक्सीजन इन वैक्यूम प्रोड्यूस लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, अल्ट्रा लो कार्बन स्टील। तो यहाँ से क्वेश्चंस को देख के आपको आइडिया हो रहा होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन होते हैं और किस नेचर के क्वेश्चन होते हैं और किस पार्टिकुलर सब्जेक्ट को जो है प्यास जो है ज्यादा टारगेट करती है। मटेरियल्स और मेटलर्जी का जब पेपर बनाती है। जीपीए जोन फॉर्म इन एल्यूमिनियम कॉपर अलॉय सिस्टम, ये देखें। एसडी के रिफ्रैक्टरी इज एल्मिना सिलिका इन बाइनरी फेज डायग्राम, द पॉइंट वेयर सिंगल फेज एक्सिस हैज डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, 2, 3। और इसी तरह जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर स्ट्रक्चर होता है उसकी इंट्रॉपी कितनी होती है, मिनिमम, मैक्सिमम, जीरो। ठीक है, एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कमर्शियल और एल्यूमिना और नाम वगैरह दी गिवन है। तो देखें, इसका मतलब ये है कि जो ये जो बाइनरी फेज डायग्राम्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो स्टील से रिलेटेड या कार्बन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन, इनकी इंट्रोपी वगैरह वो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर किसी भी आपको एलिमेंट को पूछ सकते हैं कि वो उसका कमर्शियल ओर जो है वो कौन सा है। ठीक है, इस तरह मेटल कलर इज बिकॉज ऑफ लाइट दैट ऑब्जर्व डायफ्रैक्ट रिफ्लेक्टेड, ये शॉर्टी अफेक्ट इज मोस्टली प्रेजेंट इन, तो ये बेसिकली डिफेक्ट अफेक्ट होते हैं क्रिस्टल्स के अंदर, तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हुए हैं मेटलर्जी और मटेरियल इंजीनियरिंग के अंदर। टू प्रोडक्ट एट मेटल इन अंडरग्राउंड सब मेरीन फ्रॉम कोरियन, और ये देख लें आप इसकी स्टेटमेंट। ठीक है, इस तरह ये और भी क्वेश्चन है। पर्पज ऑफ, ये देख लें आप, ओपलेनर फर्नेस में जो है ये किस चीज का जो है पर्पज पूछ रहे हैं, नीचे ऑप्शन पूछ गए मैंने, आप लोगों को यहाँ से आइडिया हो सकता है। ठीक है, ये देखें, वार्म लाइक ग्रेफाइट प्रेजेंट इन फेराइट मैट्रिक्स इज, आयरन ओर इज ऑक्सीडाइज बाई कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन, एनडीटी। ब्राइट लाइट और डार्क लाइट इज यूज फॉर, किस लिए यूज करते हैं एनडीटी में ब्राइट और डार्क लाइट को, और टेम्पर्ड ग्लास के बारे में पूछे। ठीक है, और फ्लक्स यूज इन ब्लास्ट फर्नेस वो पूछा हुआ है। तो देखिए, यहाँ से इस पेपर का पर्पस जो है आप लोगों को एक आइडिया प्रोवाइड करना है, बाकी आप इन क्वेश्चंस को मजीद जो है जो जिनका बैकग्राउंड जो है मटेरियल्स और मेटलर्जी का है वो बखूबी वाकिफ हैं कि हाँ इस क्वेश्चन की एग्जैक्टली स्टेटमेंट क्या है, तो या इस
एक खास वर्ड को देख के, जिस तरह ब्लास्ट फर्नेस है तो उसको टॉपिक को आप उठा के देख सकते हैं, फिर आप उसको रीड कर लें तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा कि फ्लक्स यूज जो ब्लास्ट फर्नेस में होता है वो किस लिए होता है, और इस तरह बहुत सी और भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जो हो सकता है आने वाले पेपर में आपसे पूछी जाए। इस तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, और टेंशन गैस, आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, नॉन कंज्यूमेबल होता है, कंज्यूमेबल होता है, और सुई पैटर्न हम किस लिए यूज करते हैं, नॉन सिमेट्रिकल स्फीयर बनाने के लिए, हेलो स्फीयर या सिमेट्रिकल पैटर्न बनाने के लिए। तो ये देख लें आप यहाँ से जो है इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो इस पेपर का पर्पस जो है आप लोगों को आइडिया प्रोवाइड करना है, आप लोगों को एक वे प्रोवाइड करना है कि इस हिसाब से आप तैयारी करें कि क्लास का जो टेस्ट होता है स्पेसिफिकली इस सेशन के हिसाब से मेटलर्जी और मटेरियल इंजीनियरिंग का वो किस लेवल का होता है, किस टॉपिक किन टॉपिक से वो ज्यादा क्वेश्चन उठाते हैं, किस नेचर के क्वेश्चन उठाते हैं, तो इन चीजों से आपको आइडिया हो जाएगा। तो बेहतर तरीकाकार यही होता है कि आप जो है अपनी जो तैयारी करने बैठे हैं अभी, क्योंकि आपके पास काफी टाइम है, तो आप ये जो टॉपिक जितने जिनसे रेलिवेंट यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं इन टॉपिक्स को आप पहले अच्छे से कर लें कवर, ठीक है, और उसके बाद जो है फिर आप इन क्वेश्चंस को जो है वो प्रिपेयर कर लें, तो इनशाला आपकी बहुत अच्छी जो है प्रिपरेशन हो जाएगी। और अगर फिर भी टाइम बचे फिर आप एक्स्ट्रा चीजों की तरफ जाएं, और भी इसके कुछ पेपर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन क्योंकि हम लेटेस्ट फिलहाल पेपर्स की बात कर रहे हैं तो आज इसकी लेटेस्ट जो पेपर है 2021 का वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।